बाला शेरनी जंगल में शिकार करके अपने बेटे रघु के लिए भोजन लेकर आती है। माँ, आपने कितना समय लगा दिया, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। रघु अपनी माँ बाला के साथ भोजन करता है। भोजन करते हुए रघु अपनी माँ से एक सवाल करता है। माँ, बरसों से मेरे मन में एक सवाल था, आज ख्याल आया तो सोचा पूछ लेता हूँ। माँ, आखिर ऐसा क्यों है, इस जंगल में हमारे अलावा कोई और नहीं रहता, हम यहाँ सबसे दूर अकेले क्यों रहते हैं? माँ, और मेरे पिताजी कहाँ हैं, वो हमारे साथ क्यों नहीं रहते, क्या हमारे पास कभी घर ही नहीं था, और माँ क्या मैं एक गरीब घर में पैदा हुआ हूँ? उस दिन अपने बेटे रघु की बातें सुनकर बाला शेरनी का दिल सहम जाता है। बेटा, ये बहुत लंबी कहानी है, अभी जिस हाल में हम हैं पहले वैसा नहीं था, हमारे पास वो सब कुछ था, लेकिन नियति ने हमारी किस्मत कुछ ऐसी लिखी कि अपनों ने ही हमारी पीठ पर वार किया और हमारा खून बहाया। माँ, आप किन अपनों की बातें कर रही हो, आखिर हमारे साथ क्या हुआ था? ये बात उस समय की है जब तुम्हारा जन्म हुआ था, तुम कुंदनपुर जंगल के राजघराने में पैदा हुए थे। तुम्हारे दादाजी उस समय कुंदनपुर जंगल के महाराज थे। उस समय उनके पास आसपास के सभी जंगलों के राजाओं से ज्यादा धन और दौलत थी। उनके तीन बेटे थे, सबसे बड़े तुम्हारे पिता रुद्र और उनके दो छोटे भाई महावीर और शमशेर था। एक दिन तुम्हारे दादाजी की अचानक से तबीयत खराब हो गई। तुम्हारे पिता ने बिना थके दिन रात उनकी सेवा की। जहां तुम्हारे पिताजी महाराज की सेवा में लगे थे, वहीं उनके दोनों छोटे भाई अपने पिता की दौलत को उड़ाकर जंगल में मजे कर रहे थे। एक दिन तुम्हारे दादाजी ने अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया। मेरे बेटो, अब लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है, तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे मरने के बाद इस जंगल को मेरा बड़ा बेटा रुद्र संभालेगा, शमशेर महावीर तुम दोनों अपने भाई के सेवक रहोगे और हमेशा उसका साथ दोगे, रुद्र तुम मुझसे एक वादा करो, तुम अपने छोटे भाइयों का हमेशा ख्याल रखोगे और इन्हें कभी भी अपने से अलग मत होने देना। हाँ पिताजी, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं हमेशा अपने भाइयों के साथ रहूंगा। ऐसा वचन लेकर महाराज अपनी अंतिम सांस लेते हैं। तुम्हारे दादाजी के जाने के बाद तुम्हारे पिताजी ने जंगल की राजगद्दी संभाली। उनके दरवाजे पर छोटा बड़ा गरीब कोई भी जानवर आता तो वो उसे खाली हाथ नहीं लौटाते थे। थोड़े ही समय में तुम्हारे पिताजी ने जानवरों का दिल जीत लिया था, लेकिन तुम्हारे पिताजी की नेकी और ईमानदारी से उनके दोनों छोटे भाइयों को जलन होने लगी। अरे भाई, क्या तुम देख रहे हो, अगर कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा तो ये रुद्र हमारे पिताजी की सारी दौलत को ऐसे ही गरीबों में लुटा देगा और वो दिन दूर नहीं जब हम इसके आगे अपने हाथ फैलाएंगे। नहीं भाई, हम ऐसा नहीं होने देंगे, पिताजी ने इसे जंगल की राजगद्दी देकर पहले ही हमारे साथ नाइंसाफी की है, इससे पहले इसकी ये सच्चाई और ईमानदारी हमें सड़क पर ले आए, हमें कुछ करना होगा, अगर वो हमारी परवाह नहीं करता तो हम भी उसकी परवाह नहीं करेंगे। रुद्र के दोनों छोटे भाई अंदर से चल रहे थे, वो अपने सगे भाई रुद्र के खिलाफ हो रहे थे। एक दिन उन्होंने अपने भाई रुद्र को अकेला देखकर उस पर हमला बोल दिया और एक के बाद एक उस पर वार किया। रुद्र किसी तरह अपनी जान बचाकर अपनी पत्नी बाला के पास पहुंचा। बाला, बाला, वो दोनों इसी ओर आ रहे हैं, मेरे भाई खुली दुश्मनी पर उतर आए हैं, वो दोनों रिश्तों की दीवार को खत्म कर चुके हैं, वो तुम्हें और हमारे बेटे को जान से मार डालेंगे, बाला तुम हमारे बेटे को लेकर यहाँ से कहीं भाग जाओ, ये जादू मुकुट तुम्हारे पास मेरी अमानत है, तुम इसका ख्याल रखना, जाओ बाला जाओ, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। बाला अपने बेटे को लेकर वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद महावीर और शमशेर वहां आकर अपने भाई रुद्र पर हमला करके उसे जान से मार डालते हैं और दोनों भाई जंगल की सारी दौलत पर कब्जा करके जंगल की राजगद्दी को हत्या लेते हैं। दोनों भाई जंगल की राजगद्दी को हत्या कर मासूम जंगल के जानवरों पर जुल्म करने लगते हैं। उनका जब मन करता वो गरीब जानवरों का शिकार करते और उन्हें बहुत सताते। जंगल के सारे जानवर उन दोनों से बहुत परेशान थे। तब से ये राज मैंने तुमसे छुपाया और मैं इस राज के साथ ही सबसे दूर यहाँ रह रही थी, लेकिन अब वक्त आ गया है उस जादुई मुकुट के इस्तेमाल करने का।
तब बाला उस मुकुट को निकालकर अपने बेटे के सर पर रख देती है। रघु के मुकुट पहनते ही वहाँ एक सफेद शेरों की सेना बन जाती है। वे सभी सफेद शेर ताकतवर और रघु के वफादार थे। माँ, मैं आपसे वादा करता हूँ, जिन अपनों ने हमें खून के आंसू रुलाया है, उन जालिमों को उनके अंजाम तक पहुँचा कर ही रहूंगा। रघु अपनी सफेद शेर सेना को लेकर अपने असली जंगल वापस लौटता है और जानवरों के बीच जाकर एक ऐलान करता है। सुनो भाइयों, अब तुम में से किसी भी जानवर को डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारे महाराज का बेटा रघु यानी कि मैं लौट आया हूँ। उन जालिमों ने मेरे पिताजी और तुम सब पर जो जुल्म किया है, अब मैं उन जालिमों को उनके अंजाम तक पहुँचा कर ही रहूँगा और अपने पिता का बदला भी उनसे लूंगा। ये कहकर रघु अपनी सफेद शेर सेना को लेकर भागता हुआ अपने पिता के उन दोनों खूनी भाइयों के पास पहुंचता है। रघु की सारी सफेद शेर सेना एक के बाद एक उन दोनों पर हमला करके दोनों को खून में नहला देते हैं। और फिर रघु अपनी माँ बाला और अपनी सफेद शेर सेना के साथ वापस अपने जंगल आकर हंसी खुशी रहने लगता है। वृंदावन जंगल में रहने वाले दो सफेद शेर वीरू और शिवा जादुई ताकतों के मालिक थे। वो दोनों सगे भाई थे। आसपास के जंगलों के जानवर उनसे मदद मांगने आते थे। जंगल में चारों तरफ उन दोनों भाइयों का दबदबा था। वीरू और शिवा ताकतवर होने के साथ साथ ईमानदार और बहादुर भी थे, और दोनों अपनी असीम ताकत संभाले होने के कारण वो दोनों अपने जंगल को इतने वर्षों से संभाल रहे थे। एक बार कुछ खूनी बाघ मानव जंगल के मासूम जानवरों पर अचानक से हमला कर देते हैं। जानवर अपनी जान बचाकर वीरू और शिवा के पास आकर उसके सामने इसकी शिकायत करते हैं। महाराज महाराज, उस जालिम राधे बाग के सिपाहियों ने हमें परेशान करके रखा है। आपने इस जंगल में नियम बनाया है कि कोई भी जंगल के जानवरों का शिकार नहीं करेगा, लेकिन वो खूनी बाघ मानव जानबूझकर आपके नियमों को तोड़ रहे हैं और चोरी छिपे हम जानवरों के मासूम बच्चों को मार रहे हैं। भाइयों, तुम सब परेशान मत हो, ये हमारा जंगल है। हमारे जंगल में आज तक न ऐसा अत्याचार कभी हुआ है और न हमारे रहता ऐसा कभी हो सकता है। हम राधे बाग से खुद जाकर मिलेंगे और उसे इसका सबक सिखाएंगे। अगले दिन वीरू और शिवा राधे बाग के जंगल उससे मिलने आते हैं। वीरू और शिवा दोनों के सर पर एक जादुई ताज था। उस जादुई ताज की मदद से ही वो दोनों शक्तियां हासिल करते थे और जानवरों की मदद करते थे। वीरू और शिवा को देखकर राधे बाग के सिपाही इकट्ठा हो जाते हैं। वीरू शिवा, क्या हुआ? लगता है आज तुम अपने जंगल का रास्ता भूल गए हो। नहीं राधे, हम रास्ता नहीं भूले, बल्कि यहाँ तुम्हारे जंगल तुम्हारी शिकायत लेकर आए हैं। तुम्हारे सिपाही आए दिन हमारे जंगल के जानवरों का शिकार कर रहे हैं। राधे, ये तुम्हारे लिए आखिरी चेतावनी है, या तो तुम अपने सिपाहियों को रोक लो, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। तुम दोनों मेरे ही जंगल आकर मुझे ही धमकी दे रहे हो। सिपाहियों, दिखा दो इन दोनों को राधे बाग को धमकी देने का क्या अंजाम होता है। ये सुनकर राधे बाग के सिपाही वीरू और शिवा पर हमला कर देते हैं, लेकिन वीरू और शिवा अपनी जादुई शक्तियां दिखाते हुए राधे बाग के सारे सिपाहियों को वहीं धूल चटा देते हैं। ये देखकर राधे बाग घबरा जाता है। राधे, खैर मनाओ कि ये हमला तुमने हमारे ऊपर नहीं किया, वरना आज इन सिपाहियों के साथ साथ तुम भी यहाँ पर धूल चाट रहे होते। याद रहे, ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। हाँ हाँ, ठीक है वीरू, ऐसा फिर कभी नहीं होगा। उस दिन राधे बाग वीरू और शिवा की शक्तियों के सामने भीगी बिल्ली बन जाता है। लेकिन उनके जाते ही राधे बाग अपने सिपाहियों के साथ उन दोनों से बदला लेने की प्लानिंग करता है। इन दोनों ने आज मेरे ही जंगल में आकर मेरे ही सिपाहियों के सामने मेरी बेइज्जती की है, आखिर ये दोनों खुद तो क्या समझते हैं। महाराज, इन दोनों भाइयों के पास एक एक जादुई ताज है, ये दोनों उसी के बल पर इतना उछलते हैं। सुना है इनके जादुई ताजों में अद्भुत शक्तियां हैं। अच्छा, इसका मतलब जब तक इन दोनों के पास वो जादुई ताज है, मैं इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन कैसा होगा अगर इनसे इनके ये जादुई ताज छीन लिए जाएं? हाँ महाराज, अपने जादुई ताज के बिना ये दोनों भाई बिल्कुल बेकार हैं। तब एक दिन राधे बाग के कुछ सिपाही बाघ मानव वीरू और शिवा के पास आते हैं। महाराज, हमारे सरदार राधे बाग ने हमें यहाँ आपके पास एक शांति का संदेश लेकर भेजा है। उन्हें अपनी गलती का एहसास है, वो आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं। महाराज, गलती सबसे होती है और हर किसी को जीवन में एक बार सुधरने का मौका मिलना चाहिए, इसलिए उन्होंने आपकी सेवा में हमें यहाँ भेजा है। आज से हम आपके साथ रहना चाहते हैं और आपके जंगल में रहकर आपकी सेवा करना चाहते हैं। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, तुम सब आज से हमारे साथ हमारे जंगल में रह सकते हो,
लेकिन खबरदार, अगर तुम में से किसी ने भी कोई गड़बड़ की तो वो तुम्हारा आखिरी दिन होगा। अब राधे बाग के सिपाही कुछ दिनों तक जंगल में रहकर वहां के जानवरों की हर काम में मदद करते हैं और वहां के राजा वीर और शिवा की सेवा करते हैं। कुछ दिनों में राधे के सिपाही जंगल के जानवरों का दिल जीत लेते हैं। लेकिन एक रात जब वीरू और शिवा अपनी गुफा में सोए हुए थे, तब आधी रात राधे बाग के सिपाही वहां आकर वीरू और शिवा के वो जादुई मुकुट उतारकर वहां से भाग जाते हैं। सुबह जब वीरू और शिवा को पता लगता है कि उन दोनों के जादुई मुकुट वहां से गायब हैं, तो उन्हें राधे के सिपाहियों पर शक होता है। शिवा, हो ना हो, ये उन बदमाश राधे बाग के सिपाहियों का ही काम है। मुझे तो पहले ही उन पर शक था। राधे के सिपाही कभी नहीं सुधर सकते। अपने सिपाहियों को यहाँ अचानक से हमारे जंगल भेजना राधे बाग की एक चाल थी। शिवा, अब हम क्या करें? हमारे जादू मुकुट राधे बाग के सिपाही चुरा कर ले गए हैं। हमें वो जादू मुकुट राधे बाग से वापस लानी होंगे, वरना वो उनकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करेगा। वीरू, तुम परेशान मत हो, मेरे पास इस समस्या का एक हल है। तब वीरू गुफा में से एक पत्थर हटाता है। उस पत्थर के नीचे वीरू और शिवा का सबसे शक्तिशाली जादुई मुकुट रखा था, जो उन दोनों बाकी मुकुट के मुकाबले अधिक ताकतवर था। वीरू और शिवा उस जादुई मुकुट को पहन लेते हैं। मुकुट पहनते ही वो दोनों एक हो जाते हैं और एक विशाल रूप धारण कर लेते हैं। विशाल रूप लेकर वीरू और शिवा राधे के जंगल पहुंचते हैं। विशाल शरीर वाले वीरू और शिवा को देखकर राधे बाग की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। राधे अपने सर पर रखे जादू मुकुट की शक्तियों का इस्तेमाल करता है, लेकिन शिवा और वीरू पर उसका कोई असर नहीं होता। वीरू और शिवा एक एक करके राधे के सारे सिपाहियों को जान से मार डालते हैं। शिवा और वीरू अपनी एक ही दहाड़ से राधे बाग को हमेशा के लिए हवा में उड़ा देते हैं। और इस तरह आज वीरू और शिवा अपनी जादुई मुकुट की शक्ति से अपने जंगल को राधे बाग के अत्याचार से बचा लेते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुरे लोगों को कितने ही मौके क्यों ना दे दिए जाएं, लेकिन वो हमेशा बुराई पर ही रहते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये स्टोरी? अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही अमेजिंग स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।